गांडी प्रखंड क्षेत्र के अहिल्यापुर गांव स्थित प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय भवन में रविवार को भाजपा अहिल्यापुर मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक समेत भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, संदीप वर्मा, महेंद्र प्रसाद वर्मा भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजू मंडल, मंडल पूर्व अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह एसी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार रंजन, बसरुद्दीन अंसारी मंडल किसान मोर्चा के अध्यक्ष रघुनंदन गोस्वामी, रामजी अग्रवाल, हेमंत कुमार, गणेश सिंह, वासुकी यादव, जमाल मिया, द्वारिका मालाकार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी। किसी भी सुख दुख में हर कार्यकर्ताओं के साथ रहने का भरोसा दिया। मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश निदेशानुसार 1 जून से 30 जून तक हर बूथ से लेकर हर मंडल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना है। इसमें 1 जून से 30 जून तक हम लोगों को महाजन संपर्क अभियान चलाकर लोगों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर कार्यक्रम आयोजित करना है। इस दौरान बैठक में उपस्थित पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा सहित कई ने देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली, पार्टी के विचारधाराओं, संगठन मजबूती आदि को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज भारतीय जनता पार्टी अहिल्यापुर मंडल के मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम चौधरी जी की अध्यक्षता में हुई और यह कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा महासंपर्क अभियान जो 1 जून से प्रारंभ होकर 30 जून तक यह कार्यक्रम चलेगा और इस दौरान लगातार 1 महीना हम लोगों को कार्यक्रम विभिन्न रूपों से मनाना, चाहे वो लाभार्थियों का सम्मेलन के रूप में है, चाहे युवा के सम्मेलन के रूप में है, कई कार्यक्रम। इस बीच रैली भी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा और 20 से 30 घर घर जाकर, प्रत्येक घरों में जाकर विगत 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी नित नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों को घर घर में पहुंचाना होगा और यदि उससे कोई वंचित है तो उसकी लाभ दिलाने के दिशा में कार्य करना होगा। और इन्हीं सब विषयों को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बैठक हो रही है और ये बैठक में निर्णय लिया गया, जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने जो दिया है, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी अखंड बिहार में भी गांडे विधानसभा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता था और गांडे विधानसभा में गांडे ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के और निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी को सभी मंडल में, सभी बूथों में कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग को निम्न कार्यक्रम है इस प्रकार है। 1 जून से 22 जून तक महाजन संपर्क अभियान चलाना है। 2 जून से 3 जून तक विकास को जनता के बीच में रखना है। 5 जून से 6 जून तक लाभार्थी सम्मेलन करवाना है और यही सब इस पर हम लोग चर्चा हर बूथों पर। मोदी जी को 25 जून को, 25 मई को प्रधानमंत्री जी मन की बात को हर बूथ पर सुनाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, उसको मनाना है। इस तरह का अनेक कार्यक्रम है हम लोग का। 1 महीना भारतीय जनता पार्टी का हर बूथों पर कार्यक्रम है। ये सब कार्यक्रमों के लिए कामकाजी बैठक हम लोग रखे हैं और यही सब बैठक है और हम लोग आज कार्य समिति भी अहिल्यापुर मंडल में कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था, CBC बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में योग्य अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनिता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।